खास खबर। अंतिम संस्कार होने के बावजूद 4 दिनों बाद मृत महिला जिंदा पहुंची घर। 4 दिनों पहले जिस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया, वही लड़की जिंदा घर के दरवाजे में खड़ी देखकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। पंजाब के पटियाला शहर की यह घटना दर्शाई जाती है। 26 वर्षीय नैना जिंदा है, ये देखकर उसके परिवार को बहुत खुशी हुई, पर उसके वजह से पुलिस कर्मियों की परेशानी बढ़ गई। नैना के परिवार ने जिस लड़की का अंतिम संस्कार किया, वो लड़की कौन थी, ये सवाल उठ गया। पटियाला पुलिस ने मृत शरीर की पहचान के लिए फिर से छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस को 11 दिसंबर को पटियाला के बाईपास रोड पर आनन फानन हालत में महिला शव मिला था। नैना मूल पटियाला की रहने वाली होके चामकोर साहिब यहाँ रहने वाले व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई। 8 दिसंबर से नैना उसके घर से गुमशुदा थी। 11 दिसंबर को पुलिस को 20 से 25 साल की एक महिला का शव मिला। पुलिस कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से शव की पहचान करने की कोशिश की। 14 दिसंबर को नैना के परिजनों ने वो शव नैना का है इसका दावा करके 15 दिसंबर को उस शव का अंतिम संस्कार किया। नैना घर से भाग गई, यह दावा पुलिस ने किया। वो जिस लड़की के साथ भागी उसी व्यक्ति ने उसकी हत्या की होगी, यह दावा भी पुलिस कर रही थी। अब नैना घर वापस आने की वजह से पुलिस कर्मी फिर से एक बार नए से छानबीन कर रहे हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।